একটি আকিপ্রা মথা হ্যায় লেকিন আপনা আইডেন্টিটি চিনি আইডেন্টিটি ও রিসা হ্যায় উসসে কিসি কো ভি আপনা তোফা মে লানা হ্যায় মথা মে লানা হ্যায় তো রিসা দেকে লাও ক্যুকি পার্টি সে বড়া জাতি আপ লোগ এগ্রি করতা হ্যায় সব লোগ এগ্রি করতা হ্যায় কি নাই বহুত লোগ আপকো বোলেগা কি পার্টি জাদা বড়া হ্যায় মেরে লিয়ে মেরা দেশ বড়া হ্যায় মেরা তিপ্রাসা বড়া হ্যায় পার্টি পলিটিক্স কে লিয়ে জাতি হা কে লিয়ে আজ তিপ্রা মথা কা চেয়ারম্যান বুবাগরা হ্যায় অর মে রাজনীতি কে লিয়ে সস্তা রাজনীতি কে লিয়ে পলিটিক্স নেই কর রা হুঁ আপনা 13 লাখ তিপ্রাসা কো কুছ দেনা হ্যায় ইসকে লিয়ে আজ মে হিন্দুস্তান কা সবসে বড়া পার্টি হো বিজেপি সবসে পুরানা পার্টি হো কংগ্রেস या त्रिपुरा में एक टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी सीपीएम आज उससे बुबागरा अकेला लड़ रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है क्योंकि कल महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है मैं उनका नाती हूं ये लोग ने महाराजा वीर विक्रम के नाम में बहुत चीज पार्टी पावर में आया लेकिन जो महाराजा वीर विक्रम का एक सपना था कि तिप्रासा अपना तिप्रासा के लिए होना चाहिए त्रिपुरा वो आज नहीं हुआ यहां में हम इतना बुरे लोगों को देख रहा है गुमा लोगों को देख रहा है आप लोग एक बात समझो नेक्स्ट जनरेशन आपका जो बच्चा लोग उसके बारे सोचो ये लोग इलेक्शन के पहले रंग फेंक फेंक कर हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करेगा ये लोग का पॉलिसी है 70 साल से एक पॉलिसी है इलेक्शन के पहले आके आपको बोलेगा रेगा 340 टाका स्मार्टफोन 7 पैक फाइनेंस बेकार बाटा सब चीज अनाउंस करेगा ये लोग लेकिन एक चीज अनाउंस नहीं करेगा ये लोग सिर्फ एक चीज नहीं अनाउंस करेगा तिप्रासा को हा में सुरक्षा मिलेगा कि नहीं वो अनाउंस नहीं करेगा आपको सब चीज अनाउंस करेगा लेकिन तिप्रासा को कुछ गारंटी नहीं देगा कि कल भविष्य में हमारा भविष्य क्या होगा तिप्रासा को वो कोई पॉलिटिकल पार्टी गारंटी नहीं करेगा लेकिन तिप्रा मोथा ने एक चैलेंज लिया है कि 70 साल से जो डिवाइड एंड रूल हो रहा था जहां में हम लोगों को डिवाइड किया गया तिप्रासा को आज क्योंकि हम लोग डिवाइड हुआ थानसा नहीं था इसके लिए आज हम लोग अपना ही हा में सेकेंड क्लास सिटीजन है आप लोग मानता है कि नहीं आप लोग मानता है कि नहीं वहां मैं पूछ रहा हूं आप लोग मानता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए इलेक्शन के पहले यहां में लीडर लोग हैं हमारा एमएलए भी है ऋषि केतु यहां में ये नेशनल पार्टी आके बोलेगा डेवलपमेंट चाहे त्रिपुरा लैंड होवे ना आपनी डेवलपमेंट करें त्रिपुरा लैंड एकदम पॉसिबल नहीं आपनार उन्नति करें तो 70 साल में कांग्रेस था बीजेपी है सीपीएम था तो 70 साल में कुकुम्बरा का डेवलपमेंट उन्नति क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि कुकुम्बरा को गरीब रख के कुकुम्बरा को वंचित करके तिप्रासा को पीछे रख के हमको एजुकेशन नहीं देकर ये लोग ने हम लोगों का थानसा तोड़ा हम लोगों का हौसला तोड़ा और आज हमारा राज्य में हमारे ऊपर राज करने का प्लानिंग करता है मैं आपको क्लियरली बोलता हूं कि हमारा डिमांड ग्रेटर तिप्रा लैंड का है और अगर ये लोग ने राइटिंग में नहीं माना तो आपको बुबागरा क्लियरली बोल रहा है हम लोग अकेला फाइट करेगा हमको अकेला फाइट करना चाहिए हम लोगों को अकेला फाइट करना चाहिए
जैसा TUGS ने फाइट किया था 77 में, हमको भी अकेला फाइट करना चाहिए। फिर से नेता लोग बोलेगा आपनार काछे तो टाका नहीं, बीजेपी काछे तो अनेक टाका आछे, कांग्रेस काछे तो अनेक टाका आछे, ऐ तिप्रासन काछे तो टाका नहीं। ठीक है, 6 महीना में इलेक्शन है, 2 महीना के बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन है, हम लोग के पास उनके जैसा पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास भूभागरा है, उनके पास भूभागरा नहीं है। कभी 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 आपको रंग का दरकार नहीं होता है राजनीति करने के लिए, कभी कभी आपके पास लीडर होना चाहिए जो रंग के लिए नहीं बिकेगा। और हम आपको गारंटी लेके बोल रहे हैं कि मेरा दिल के अंदर एक चीज है, अब ये मीडिया में आएगा तो फिर से अगरतला में फोन आएगा, अलायंस हो बेना, ये लोग बोलेगा, चिंता करेगा, हम लोग जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन इस बार पूरा इंडिया को दिखाना है कि तीपरा साल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और मैं जानता हूं बहुत लीडर है हमारे ऊपर, हमको ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि महाराजा अपना टिकट ना दिले अभी बीजेपी से चले जाबो, हमारे MLA टिकट ना दिले अभी बीजेपी से चले जाबो, अभी कांग्रेस से चले जाबो, जाओ जाओ। वो लीडर लोग 20 साल तक क्या किया, आज अगर हम लोग यहां में आया है तो भूभागरा के लिए और आपका प्यार के लिए आया है, वो नेता लोगों के लिए नहीं आया है। और जो लोग सिर्फ राम के लिए धंधा करता है राजनीति का, राम के लिए भाषण देता है, बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन लास्ट में कॉम्प्रोमाइज करता है, उनको यहां से हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग भूभागरा का साथ है, आप लोग अलायंस चाहता है, आप लोग अलायंस चाहता है, वो नेता लोग जिसको अलायंस चाहिए, वो नेता लोग जो आज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोल रहा है, कल जाके वंदे मातरम बोलेगा, कल जाकर भारत माता की जय बोलेगा, कल जाकर लाल सलाम बोलेगा, आज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोलता है, क्यों बोलता है, रंग के लिए, पोस्ट के लिए, पद के लिए। ऐसा नेता को आप लोग समझो और आप भूभागरा को बैक करो। विलेज काउंसिल इलेक्शन में अगर हम लोग ने जीता तो पूरा त्रिपुरा से हम लोग दिल्ली भरो, दिल्ली चलो नहीं। पूर्ण चंद्र जमतिया ने बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप हमको खून दो हम आपको स्वाधीनता देता है, हम आपको बोल रहे हैं हमको आपका थुई नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपका थानसा चाहिए और हम लोग दिल्ली को दिखाएंगे। ये राजनीति में मैंने देखा है बहुत गलत लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं, और सब पार्टी में भी गलत लोग हैं, CPM में है, कांग्रेस में है, BJP में है, मोथा में भी है, IPSC में भी है, लेकिन आप पूरा त्रिपुरा में एक लीडर को निकाल के लाओ अपना तीपरासा कम्युनिटी से, जो बोल सकता है पुइला जाति उलोवो जाति, आज कौन बोल सकता है, कोई नहीं, क्यों, चाबी लगाने वाला कोई और। आज अपना IPFE से लीडर लोग आया, पितौर आया था, अभी सुकुमार आया है, अभी यहां में बुरी से बहुत लीडर लोग आया है, सबने बात किया, हम आपको बोले कि IPFE क्यों गिरा, यहां में सब लोग हैं, जिस दिन माधव बारी में गोली मारा गया और IPFE चुप बैठा, उस दिन 30% IPFE खत्म हो गई। जिस दिन सुनील देवधर ने TV के सामने आपका टिपरा सा वीडियो के मीडिया के सामने बोला, NCT परमा जी कान खोल के सुन लो,
अगर आपको तीपरा लैंड चाहिए तो ऑपोजिशन में बैठो, वरना अगर आपको सरकार में बैठना है तो तीपरा लैंड नहीं मिलने वाला है, ये सुनील देवधर ने बोला। और एनसी देवर्मा चुप बैठ के रहा। उस दिन आईपीएफ की और 40% खत्म हो गई। और जब यहां में बस स्टैंड में हम लोग का खानसा हुआ आईपीएफ की और टीपरा मोथा का, आप लोग सब आया मोटर स्टैंड में हुआ रैली, पूरा टीपरा साहब को लगा हां खानसा हो रहा है। लेकिन उसका 5 दिन बाद वही नेता लोग जाकर बीजेपी का संग अलायंस किया और बीजेपी को 14 सीट दे दिया। उस दिन टीपरा साहब समझ गया कि ये बिजनेस हो रहा है, ये तोहफा के लिए काम नहीं हो रहा। उस दिन आईपीएफ की 100% खत्म हो गए। आईपीएफ की अच्छा पार्टी है, आईपीएफ की को खराब किया उनका लीडर ने। टीपरा मोथा अच्छा पार्टी रहेगा जब तक लीडर का कमिटमेंट ग्रेटर टीपरा लैंड के लिए रहेगा, पोस्ट के लिए और एमएलए के लिए नहीं रहेगा। ठीक बोले? हाँ। ठीक बोला कि नहीं? हाँ। अब विलेज काउंसिल इलेक्शन, इस एरिया से हमको जीतना है, ढलाई से जीतना है, ख्वाई से, साबरूम से, मोनू से, जुलाईबारी से, कंचनपुर से, रायमा वैली, रोईसा बारी, गंगानगर, पानी सागर, अपना जिरानिया, विश्रामगंज, आमताली, पूरा त्रिपुरा से इस बार विलेज काउंसिल में हमको जीतना है। क्यों? क्योंकि अगर विलेज काउंसिल हम लोग जीता तो हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो नेशनल पार्टी है ना, 2 मिनट में मोमबत्ती जैसा पिघल जाएगा, बोलेगा अरे ना 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 ना, आपने की चाहे, आपने की चाहे। अभी एक कथा बोलबो, अपना रंग भी तो चाहे दे लो हमारे टीपरा से, क्यों आपत्ति नहीं, आप लोग ले लो उनका पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाप का रुपया नहीं है उनका, बाप का रुपया नहीं है, आपका रुपया लेके ही 70 साल में ये लोग धनी बनाए, लो रुपया, लेकिन वोट ग्रेटर टीपरा लैंड को करो जिसका कमिटमेंट अपना है। और आज आईपीएफ की सीनियर लोग आया है, थोड़ा दिन के बाद और भी लीडर्स आएगा बीजेपी से, सीपीएम से, कांग्रेस से। हमारा काम है सिर्फ एक, अगर आप पोस्ट के लिए आ रहा है, अगर आप पद के लिए आ रहा है, अगर आप सिर्फ रंग के लिए आ रहा है तो आने का दरकार नहीं। लेकिन अगर आप तोहफा के लिए आ रहा है, अगर आप अपना हा के लिए आ रहा है, अगर आप एक वन लाइफ पॉइंट के लिए आ रहा है, तो आप अपना तोहफा के साथ आ रहा है। और एक बार जिंदगी में आकर एक बार अपना टीपरा साहब के लिए फाइट करो। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा कितना दिन बाकी है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मुझे एमएलए नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है, मुझे 13 लाख टीपरा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देना है। देना है कि नहीं? अगर देना है तो अपने बारे भूल जाओ। जब बुबाग्रा को खुद एमएलए के लिए फाइट नहीं करना है, टीपरा साहब के लिए फाइट करना है, तो यह लीडर को भी समझना चाहिए कि आपका कमिटमेंट अपना जाति के साथ है, अपना पोस्ट के साथ नहीं। आप लोग यहां में आया है और बहुत लोग अलग अलग बात करेगा, ग्रेटर टीपरा लैंड होबे ना, नहीं होगा, यहां में बुरा लोगों को बोलेगा। ये हम लोग का बुरा लोग यहां में जो है ना, इसने एक टाइम देखा था कि पूरा त्रिपुरा में टीपरा सा रहता था, इनका आंख का सामने टीपरा सा कम हुआ,
इनके आंख के सामने पिपरासा का अधिकार गया। आज ये लोग बोलता है कि हम लोग का टाइम है, ऐसा था पिपरा, टाइम आया है कि नरेंद्र मोदी को भी, राहुल गांधी को भी, सीताराम येचुरी को भी सुनना पड़ेगा। हम लोग हानी भूसा, और अगर हानी भूसा को आपको चिंता करना है, आप लोग बोलता है आजादी का अमृत महोत्सव, हम भी हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं। आज अगर इंडिया में, त्रिपुरा इंडिया के अंदर है, तो वो कंचन प्रभा देवी के लिए है। तो हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति के लिए, हमने अपना पूरा राज्य इंडिया को दिया, हमको क्या मिला, हमारे पिपरासा को क्या मिला। आज उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना है।